फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके पल्स। आज मैं आपके लिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ एंड आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टोक्यो ओलंपिक्स। फ्रेंड्स, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड्स का समय दिया जाएगा, पर अगर आपको ज्यादा समय की जरूरत है तो वीडियो को पॉज करिए, बट अपना आंसर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड्स, इस साल का टोक्यो ओलंपिक्स तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा रहा और इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स भी जीते। तो चलिए कुछ और जानकारी ले लेते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों, प्लीज मेरा वीडियो अपने दोस्तों के संग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, बहुत अच्छा लगता है। एंड बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन के इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, व्हेन डिड द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 स्टार्ट? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 23 जुलाई 2021। क्वेश्चन टू, व्हाट मेक्स टोक्यो ओलंपिक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स दूसरे ओलंपिक से अलग क्यों है? आंसर इज, इट इज द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन हिस्ट्री व्हिच गॉट डेफर्ड बाय 1 ईयर From 2020-22 to 2020-21 due to COVID-19 pandemic 1. ये पहला ओलंपिक गेम है जो पूरे ओलंपिक गेम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक गेम को डेफर किया गया है एक वर्ष से। पहले ये ओलंपिक गेम 2020 में होने वाले थे, लेकिन COVID-19 पैंडेमिक की वजह से इसे 2021 में कंडक्ट किया गया। क्वेश्चन थ्री, वेयर वॉज द प्रीवियस 2016 ओलंपिक गेम्स हेल्ड? इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के पहले 2016 ओलंपिक्स कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, साउथ अमेरिका। क्वेश्चन फोर, व्हाट वॉज सो स्पेशल इन द मेन सर्फिंग रिजल्ट्स एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में मेन सर्फिंग रिजल्ट इतना स्पेशल क्यों था? आंसर इज, द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल विनर्स वेयर फ्रॉम द सेम कंट्री, जमैका। ये इतना स्पेशल मेन सर्फिंग रिजल्ट्स इतना स्पेशल इसलिए था क्योंकि जो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल के विनर थे वो सारे के सारे एक ही देश से थे, जमैका। क्वेश्चन फाइव, वेयर विल द नेक्स्ट 33rd ओलंपिक गेम्स नेक्स्ट आफ्टर टोक्यो गोइंग टू बी हेल्ड? अगला 33वां ओलंपिक गेम्स जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद होने वाला है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर इज, पेरिस, फ्रांस इन 2024। क्वेश्चन सिक्स, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? इंडिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते? आंसर इज, 7 मेडल्स। दिस इंक्लूड्स 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। India finished at the 48th rank in the Tokyo Olympics 2020. India ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इंडिया का रैंक 48 था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। क्वेश्चन 7, नेम द स्पोर्टिंग इवेंट्स विच हैव बीन एडेड इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स का नाम बताइए जो इस वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ऐड किए गए थे। आंसर इज, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सॉफ्टबॉल,
जिसे हम बेसबॉल भी कहते हैं एंड सर्फिंग। क्वेश्चन एट, सेवरल रिकॉर्ड्स वेयर ब्रोकन एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, नेम द नंबर ऑफ सच इवेंट्स वेयर द रिकॉर्ड्स वेयर ब्रोकन। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए गए और बहुत से रिकॉर्ड पुराने रिकॉर्ड टूटे। नेम द नंबर ऑफ सच इवेंट्स वेयर द रिकॉर्ड्स वेयर ब्रोकन। ऐसे इवेंट्स की संख्या बताइए जहां पर रिकॉर्ड टूटे। इसका आंसर है 24 इवेंट्स। स्विमर्स एंड रोअर्स शैटर्ड 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ईच। 24 ऐसे इवेंट्स थे जिसमें नए रिकॉर्ड बनाए गए और पुराने रिकॉर्ड तोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 9, विच एडिशन ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स इज द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। ये जो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स है वो मॉडर्न ओलंपिक्स का कौन सा एडिशन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 32nd ओलंपिक गेम्स। द मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्टेड इन 1896 एडी एंड वाज हेल्ड इन एथेंस ग्रीस। क्वेश्चन 10, हाउ मेनी डेज डिड द टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स टेक प्लेस। कितने दिनों तक टोक्यो ओलंपिक गेम्स चला। तो फ्रेंड्स, आंसर इज 17 डेज, July 23rd, 2021 to August 8, 2021. Question 11. What was the name of the mascot in the Tokyo Olympic Games 2020? Tokyo Olympic Games 2020 के mascot का क्या नाम था? तो friends, इसका answer है Maraitova. तो फ्रेंड्स, ये जो मराइतोवा वर्ड है ये दो जापानीज वर्ड्स के फ्यूजन से बना हुआ है। पहला वर्ड है मराई विच मींस फ्यूचर एंड दूसरा वर्ड है तोवा विच मींस इटर्निटी। एंड इसके संग ये जो मराइतोवा वर्ड है इट इज बेस्ड ऑन जापानीज प्रोवर्ब। ये प्रोवर्ब क्या है? लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड डेवलप न्यू आइडियाज। इजंट इट सो? इट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग। How many countries are included in the International Olympic Committee IOC? International Olympic Committee में कितनी countries शामिल हैं? Answer is 206. Question 13. What was the motto of the Tokyo Games 2020? Tokyo Games 2020 का motto क्या था? Answer is united by emotion. Question 14. Kirani James won gold medal in 2012 London Olympics, silver medal in 2016 Rio Olympics and bronze medal in Tokyo Olympics. What is so special about this achievement? Kirani James jinhone गोल्ड मेडल जीता था 2012 लंदन ओलंपिक्स में, सिल्वर मेडल जीता था 2016 रियो ओलंपिक्स में और ब्रोंज मेडल जीता है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, इनके बारे में, इनके अचीवमेंट में ऐसा स्पेशल क्या है? आंसर इज ही इज द ओनली वन फ्रॉम हिज कंट्री ग्रेनाडा टू एवर विन एनी ओलंपिक मेडल। ये एकमात्र व्यक्ति थे अपने देश से जिन्होंने ओलंपिक मेडल को जीता है। क्वेश्चन 15, एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इंडिया वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ 7 मेडल्स इन टोटल। इन विच ओलंपिक्स डिड इंडिया विन द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स बिफोर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया ने सबसे अधिक 7 मेडल जीते। इस ओलंपिक से पहले इंडिया ने सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल किस ओलंपिक में जीता था? इसका आंसर है लंदन ओलंपिक्स 2012, टोटल 6 मेडल्स
टू सिल्वर एंड फोर ब्रॉन्ज। इससे पहले इंडिया ने लंदन ओलंपिक्स 2012 में कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। क्वेश्चन 16, हाउ मेनी मेडल्स डिड यूएसए विन टू लीड द ओलंपिक टैली इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? यूएसए ने कितने मेडल जीते थे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, जिससे वो सबसे पहले थे मेडल टैली में? आंसर है 113 मेडल्स, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर एंड 33 ब्रॉन्ज है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, नेम द कंट्रीज व्हिच फिनिश्ड एट द सेकंड एंड द थर्ड स्पॉट इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 आफ्टर यूएसए। यूएसए के बाद टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कौन सी कंट्री ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया था? आंसर इज सेकेंड, चाइना विथ 38 गोल्ड एंड टोटल 88 मेडल्स। थर्ड, जापान विथ 27 गोल्ड एंड टोटल 58 मेडल्स। यूएसए के बाद सेकेंड प्लेस पर दूसरा स्थान जिस कंट्री ने प्राप्त किया था वो था चाइना, जिसने टोटल 38 गोल्ड प्राप्त किया था और उसे टोटल 88 मेडल्स मिले थे। थर्ड प्लेस पर था जापान, जिसने 27 गोल्ड और जापान ने टोटल 48 मेडल जीता था। क्वेश्चन 18, हु वॉन द मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? किसने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में? आंसर इज कैलेब ड्रेसल ऑफ यूएसए, 5 गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग। कैलेब ड्रेसल ने 5 गोल्ड मेडल जीता था स्विमिंग में। हु वॉज द ओनली गोल्ड मेडल विनर फॉर इंडिया एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को एकमात्र गोल्ड मेडल जिताने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं। इट्स आंसर इज नीरज चोपड़ा इन जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। उन्होंने 87.58 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। ही इज फ्रॉम पानीपत इन हरियाणा, इंडिया। वो पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। क्वेश्चन 20, नेम द टू फ्लैग बेयरर्स फ्रॉम इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में 2 इंडियन फ्लैग बेयरर का नाम बताइए। आंसर है मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी खेलते हैं, और मैरी कॉम फ्रॉम बॉक्सिंग। क्वेश्चन 21, व्हाट मेड द रिजल्ट ऑफ द शॉटपुट इवेंट इन टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स सो यूनिक? टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स के शॉटपुट के रिजल्ट को इतना यूनिक क्यों कहा गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है क्वाइट यूनिकली द सेम एथलीट्स दैट वॉन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल इन 2016 रियो ओलंपिक्स अगेन वॉन गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। फ्रेंड्स, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए इसको यूनिक कहा गया है। वही एथलीट जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल 2016 रियो ओलंपिक्स में जीता था, सेम एथलीट ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी टोक्यो ओलंपिक्स में जीता। क्वेश्चन 22, नेम द फ्लैग बेयरर फ्रॉम इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में के क्लोजिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बेयरर कौन थे? आंसर इज बजरंग पुनिया फ्रॉम रेसलिंग। क्वेश्चन 23,
When did Japan host the last Olympics before the 2020 Olympics? जापान ने लास्ट ओलंपिक्स 2020 ओलंपिक्स के पहले कब आयोजित किया था? The answer is 1964 in Tokyo. फ्रेंड्स, जापान ने 2020 ओलंपिक्स के पहले भी 1964 में ओलंपिक्स को आयोजित किया था टोक्यो में. क्वेश्चन 24. Which previous performances prior to gold in the Tokyo Olympics 2020 had earned Neeraj Chopra the nickname Golden Boy? नीरज चोपड़ा के 2020 टोक्यो ओलंपिक्स परफॉर्मेंस के पहले कौन-कौन से परफॉर्मेंसेस ने नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर कर दिया था? द आंसर इज बिफोर द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स ही वॉन गोल्ड मेडल इन द फॉलोइंग चैंपियनशिप्स: गोल्ड इन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2016, गोल्ड इन साउथ एशियन गेम्स 2016, गोल्ड इन एशियन चैंपियनशिप्स 2017, गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 एंड गोल्ड इन एशियन गेम्स 2018. तो इतने सारे गेम्स उन्होंने खेले और सभी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसी वजह से उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है. क्वेश्चन 25. हु वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द टोक्यो ओलंपिक्स? आंसर इज एमा मैकेओन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन स्विमिंग. शी वॉन सेवन मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020. एमा मैकेओन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने स्विमिंग में सेवन मेडल्स जीते थे टोक्यो ओलंपिक्स में. क्वेश्चन 26. What is so special about Neeraj Chopra's gold medal win at the Tokyo Olympic Games 2020? नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, वो इतना स्पेशल क्यों है? इसका आंसर है, ही वॉन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट एट द ओलंपिक्स. नीरज चोपड़ा ने पहली बार इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट. इनसे पहले ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के लिए इंडिया के लिए किसी ने भी गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में नहीं जीता था. क्वेश्चन 27. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बिफोर नीरज चोपड़ा टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स इन एनी स्पोर्ट? नीरज चोपड़ा के पहले फर्स्ट इंडियन का नाम बताइए जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में किसी भी स्पोर्ट्स में. आंसर इज अभिनव बिंद्रा वॉन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन शूटिंग एट द 2008 ओलंपिक्स हेल्ड इन बीजिंग चाइना. अभिनव बिंद्रा जिन्होंने पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता था शूटिंग में, कौन से ओलंपिक में? 2008 ओलंपिक्स जो चाइना के बीजिंग में आयोजित किया गया था. क्वेश्चन 28. नेम द वुमेन बॉक्सर हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द 69 kg कैटेगरी वुमेन्स बॉक्सिंग एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020. वैसी महिला बॉक्सर का नाम बताइए जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए 69 kg कैटेगरी वुमेन बॉक्सिंग में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था. आंसर है लवलीना बोरगोहाइन. क्वेश्चन 29. हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन वुमेन्स बैडमिंटन इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? किसने इंडिया के लिए वुमेन्स बैडमिंटन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? आंसर इज पीवी सिंधु. क्वेश्चन 30. व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ मीराबाई चानू इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? मीराबाई चानू की क्या उपलब्धि है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में?
इसका जवाब है शी वॉन गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स इन द 49 kg कैटेगरी। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट मेडल विनर इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में 49 kg कैटेगरी के अंदर, और वो पहली मेडल विनर थी इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मीराबाई चानूज अचीवमेंट इन टोक्यो ओलंपिक्स स्पेशल? मीराबाई चानू की उपलब्धि टोक्यो ओलंपिक्स में इतनी स्पेशल क्यों है? आंसर इज बॉर्न इन मणिपुर, मीराबाई चानू वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स इन 2021 विद अ टोटल लिफ्ट ऑफ 202 kg, आउट ऑफ विच 115 kg वॉज इन क्लीन एंड जर्क एंड 87 kg वॉज इन स्नैच। दिस वॉज आफ्टर 21 ईयर्स वेन कर्णम महलेश्वरी लास्ट वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द सिडनी ओलंपिक्स इन 2000। कर्णम महलेश्वरी वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, हु वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेन्स हॉकी टीम एट द टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? आंसर इज मनप्रीत सिंह। ही वाज वन ऑफ द फ्लैग बियरर्स अलोंग विद मैरी कॉम एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। क्वेश्चन 23, हु इज द ओनली वुमन फ्रॉम इंडिया हु हैज वॉन टू मेडल्स इन कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स? इंडिया की एकमात्र महिला का नाम बताइए जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक्स में मेडल जीता। आंसर इज पीवी सिंधु। इन विमेन्स बैडमिंटन शी वॉन अ सिल्वर इन रियो ओलंपिक्स इन 2016 एंड अ ब्रॉन्ज इन द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। क्वेश्चन 34, हु इज द ओनली मेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया हु हैज वॉन टू मेडल्स इन कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स? ऐसे एकमात्र पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने इंडिया के लिए लगातार दो ओलंपिक्स में मेडल जीता। आंसर इज सुशील कुमार इन रेसलिंग। ही वॉन अ ब्रॉन्ज इन 2008 बेजिंग ओलंपिक्स एंड अ सिल्वर इन 2012 लंदन ओलंपिक्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, इन विच कैटेगरी डिड इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? किस कैटेगरी में इंडियन रेसलर्स रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में? आंसर इज 57 कैटेगरी रेसलिंग। क्वेश्चन 36, हु वाज द ओनली अदर रेसलर हु वॉन अ सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स बिफोर रवि कुमार दहिया हु वॉन इन 2021 टोक्यो ओलंपिक्स? ऐसे एकमात्र रेसलर का नाम बताइए जिन्होंने सिल्वर मेडल इंडिया के लिए जीता था ओलंपिक्स में रवि कुमार दहिया से पहले। रवि कुमार दहिया ने 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन रवि कुमार से पहले एकमात्र रेसलर जिन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता था। फ्रेंड्स, इसका आंसर है सुशील कुमार वॉन अ सिल्वर मेडल इन 2012 लंदन ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37, After how many years did the Indian men's hockey team win a medal in 2020 Tokyo Olympics? कितने साल बाद इंडियन मेंस हॉकी टीम ने मेडल जीता 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में? फ्रेंड्स, इसका आंसर है आफ्टर 41 इयर्स। इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफिटेड जर्मनी 5-3 टू ब्रिंग द ब्रॉन्ज मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स। इंडिया लास्ट वॉन अ गोल्ड मेडल इन द 1980 मॉस्को ओलंपिक्स। फ्रेंड्स, इंडिया ने 41 ईयर्स के बाद इंडियन मेंस हॉकी टीम में जर्मनी को 5-3
5 टीम से हरा कर ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा किया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। इससे पहले इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में। क्वेश्चन 38, नेम द इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 65 kg कैटेगरी एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। ऐसे इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर का नाम बताइए जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 65 kg कैटेगरी में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। आंसर इज बजरंग पूनिया। पूनिया वॉन बाई डिफीटिंग कजाकिस्तान दौलत नियाज बेकोव विथ अ वाइड 8-0 मार्जिन। पूनिया इज द ओनली इंडियन रेसलर टू विन 3 मेडल्स एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स। तो बजरंग पूनिया को तो आप सभी जानते हैं। पूनिया ने दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से परास्त किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वेश्चन 39, नेम द गोल्फर हु फिनिश्ड वेरी क्लोज टू अ मेडल एट द फोर्थ स्पॉट इन इंडिविजुअल गोल्फ इवेंट एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। ऐसे गोल्फर का नाम बताइए जिन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया इंडिविजुअल गोल्फ इवेंट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। वैसे तो ये मेडल नहीं जीत पाई पर मेडल जीतने के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर इज अदिति अशोक। शी इज अ गोल्फर बाय प्रोफेशन। अदिति अशोक ये एक गोल्फर हैं प्रोफेशन से। ये चौथा स्थान प्राप्त की थी इंडिविजुअल गोल्फ इवेंट में टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। क्वेश्चन 40, विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट मेडल्स इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा। कौन से देश ने सबसे अधिक मेडल जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा के हिसाब से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सैन मेरिनो। बिफोर टोक्यो ओलंपिक गेम्स सैन मेरिनो हैड नेवर वॉन एन ओलंपिक मेडल। इन टोक्यो 2020 गेम्स दे वॉन 3 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 इन शूटिंग एंड 1 इन रेसलिंग। With a population of just 34,000 people, they won 1 medal for every 11,333 people in the country. San Marino एक कंट्री है जिसने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के पहले कभी भी कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ने उन्होंने 3 मेडल जीता, 2 शूटिंग में और 1 रेसलिंग में। सैन मेरिनो जिसकी पॉपुलेशन मात्र 34,000 पीपल की है, उन्होंने जो मेडल जीता वो प्रति 11,333 व्यक्ति के ऊपर 1 मेडल के हिसाब से जीता। क्वेश्चन 41, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमन टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स। पहली ट्रांसजेंडर वुमन का नाम बताइए जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में कम्पीट किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लॉरल हबर्ट। बॉर्न इन 1978 फ्रॉम न्यूजीलैंड, शी कम्पीटेड इन वेट लिफ्टिंग एट द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 इन द 87+ कैटेगरी बट फेल टू विन अ मेडल। क्वेश्चन 42, नेम द इंडस्ट्रियल हाउस हु वाज स्पॉन्सर्ड टू द इंडियन कॉन्टिजेंट इन द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स गेम। ऐसे इंडस्ट्रियल हाउस का नाम बताइए जिन्होंने इन भारतीय दल को स्पॉन्सर किया था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। दोस्तों इसका आंसर है अदानी ग्रुप। इसके बारे में तो आप सभी ही जानते होंगे। अदानी ग्रुप हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने भारतीय दल को स्पॉन्सर किया था टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। क्वेश्चन 43, व्हाट इज द साइज ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडियन कॉन्टिजेंट यानी कि भारतीय दल का साइज क्या था। तो
तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 228, कंसिस्टिंग ऑफ 126 एथलीट्स एंड द रेस्ट सपोर्ट स्टाफ. आउट ऑफ 126 देयर वेयर 70 मेन एंड 56 वुमेन. दे पार्टिसिपेटेड इन अ रिकॉर्ड 69 इवेंट्स. 228 लोगों में 126 एथलीट्स थे और इन 126 एथलीट्स में 70 वे पुरुष थे और जबकि 56 यानी कि 56 महिलाएं थी और इन लोगों ने रिकॉर्ड 69 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया. क्वेश्चन 44, हु सांग द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स. टाइटल लक्ष्य तेरा सामने है. किस सिंगर ने थीम सॉन्ग गाया था भारतीय दल के लिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, जिसका टाइटल था, जिसका शीर्षक था लक्ष्य तेरे सामने है. तो दोस्तों, इसका आंसर है मोहित चौहान. ये एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, लवली सॉन्ग्स, इजंट इट सो. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 45, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC. दोस्तों, इसका आंसर है थॉमस बा ऑफ जर्मनी. ही वॉज अ फॉर्मर ओलंपिक फेंसर एंड करेंटली इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. थॉमस बा जो जर्मनी से हैं, ये 9th प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के. What is the mascot of 2020 Summer Paralympics to be held in Tokyo, Japan in 2021? Mascot of 2020 Summer Paralympics, जो कि अब टोक्यो जापान 2021 में होने वाला है, उस मैस्कट का क्या नाम है? Answer is Somiti. Its pink design is inspired by cherry blossoms. उसका नाम है Somiti और इसका जो डिजाइन है, इसका जो कलर है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय चेरी ब्लॉसम्स. क्वेश्चन 47, हु इज द करंट कैप्टन ऑफ द इंडियन विमेन्स हॉकी टीम. इंडियन विमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? आंसर इज रानी रामपाल. रानी रामपाल जो है अभी इंडियन विमेन्स हॉकी टीम की कप्तान है. क्वेश्चन 48, व्हाट वेंट रॉन्ग विद यूक्रेनियन शूटर सरहे क्यूलेश हु वॉन अ सिल्वर मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन 2016 रियो ओलंपिक गेम्स. आंसर इज He did not receive any point because he fired at someone else target. उन्हें कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया था क्योंकि सरे क्यूलिस जो थे, उन्होंने किसी और के टारगेट पर फायर कर दिया था. क्वेश्चन 49, who won the gold medal in men's 100 meter sprint at the Tokyo Olympics 2020? फ्रेंड्स, इसका आंसर है इटालियन स्प्रिंटर मार्सेल जैकोब विद अ टाइमिंग ऑफ 9.80 सेकेंड्स. ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द गोल्ड मेडल विनिंग 4x100 मीटर रिले टीम एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स. क्वेश्चन 50, इन विच कॉन्टिनेंट हैज ओलंपिक गेम्स नेवर बीन ऑर्गेनाइज्ड येट. ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर ओलंपिक गेम्स अभी तक आयोजित नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अफ्रीका. अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर अभी तक कोई भी ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं किया गया.
तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इन सब क्वेश्चन से आपकी थोड़ी जानकारी तो जरूर बढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन भी है आपके लिए, जो क्वेश्चन 51 है, पर उसका आंसर मैंने नहीं दिया है। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 51, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर लिखिए। और मैं आशा करती हूँ कि आज का जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे जरूर कुछ सीख पाए होंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप कितना आंसर कर पाए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू।